हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। शुरू करते हैं आज की कहानी। मिसेस माथुर ने श्रेया को समझाते हुए कहा, अरे वो शालिनी है ना, एक नंबर दी चिपकू है, थोड़ा बच के रही उस दो, आजकल ग्रुप में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। अरे ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने? मिसेस कुमार का इतना पूछना ही था, बस मिसेस माथुर शुरू हो गई। ओ तुसी किथे रहंदे हो मिसेस कुमार? ग्रुप विच चैन नाल उठना बहना भी आराम हो गया है। अरे उन्दे चक्कर विच ता इस महीने दी किट्टी पार्टी पेंडिंग है, जदों भी किट्टी पार्टी दे बारे गल करो सब पहला पूछ दे, शालिनी ते नहीं हैगी उधर? होएगी तो सानू पका देगी सुना सुना के कि आ नया प्रोडक्ट आया है, ऐस चीज दिया फलाना स्कीम हैगी है, प्लीज ले लो। और सब दो इरिटेटिंग, तो अड्डी कोई फ्रेंड हो तो दसना। लेकिन हमारी मिसेस कुमार ने मिसेस माथुर की इन बातों पर कान नहीं दिया और वो उस दिन शालिनी से टकरा गईं। फिर क्या, शालिनी की वही कहानी, उनके पीछे ही पड़ गईं। ये ले लो वो ले लो। आखिर मिसेस कुमार ने शालिनी से कैसे पीछा छुड़ाया? क्या वो शालिनी को उसकी गलती सुधारने में मदद कर पाईं? या फिर इस चक्कर में पड़कर उन्हें खुद किसी की मदद मांगनी पड़ी? ये मैं आपको बताऊंगा इस गाने के बाद। अगर आप भी ऐसे चक्करों में पड़े हैं तो ये गाना आप ही के लिए है। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना मिसेस माथुर के आगाह करने के बावजूद श्रेया ने शालिनी को जरा सा स्पेस क्या दिया, वो अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट लेकर उनके सिर पर बैठ गई। अब आगे, श्रेया कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, कॉस्मेटिक से लेके हॉजरी सब कुछ अवेलेबल कर दूंगी, वो भी मार्केट प्राइस से काफी कम कीमत में। वैसे जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए थे उनमें से कोई पसंद आया क्या? शालिनी ने मिसेस कुमार को सुबह शाम रिमाइंड करवाना शुरू कर दिया। इधर श्रेया खुद शालिनी से कुछ खरीद नहीं पाई थी और उधर शालिनी ने उससे कुछ रेफरेंस और कॉन्टैक्ट्स की मांग शुरू कर दी। अब मिसेस कुमार को अपनी गलती का कुछ कुछ एहसास होने लगा। उन्होंने जब ग्रुप में बाकी सबसे शालिनी के चक्कर से बचने का तरीका पूछा तो सबका यही कहना था, तुम्हें तो पहले ही कहा था, तुम ही नहीं मानी, अब भुगतो। ऐसे ही इनोसेंट लोगों को फंसाती है वो, बड़ी आई अपना बिजनेस करने वाली, खुद तो दुबई और सिंगापुर घूमती रहती है और अपने खर्च निकालने के लिए हम लोगों को बकरा बना रखा है। हाँ हद होती है हद किसी बात की भी, हाँ लेकिन नहीं वो तो पीछे ही पड़ जाती है। पर मिसेस कुमार भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि शालिनी के इस तरह पीछे पड़ने की आदत के बारे में वो उससे बात करेंगी। क्या मिसेस कुमार का ये फैसला सही था? क्या बात करने से उनकी समस्या सुलझी या फिर और भी उलझ गई? इस प्रॉब्लम को सुलझाने में मिसेस कुमार पास हुई या फेल? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना सबकी नसीहत इग्नोर कर श्रेया ने अपने सर्कल में स्मॉल बिजनेस प्रमोट करने वाली शालिनी को थोड़ा स्पेस क्या दिया, शालिनी हाथ धोकर पीछे पड़ गई। बस श्रेया ने शालिनी को समझाने की बात ठान ली। अब आगे, शालिनी का इरिटेटिंग कॉल दोबारा आ गया। हाय मिसेस कुमार, आपने कोई फाइनल किया क्या कोई प्रोडक्ट, कुछ सोचा आपने? बस मिसेस कुमार तो मानो भरी बैठी थी, उन्होंने शालिनी को सुनाना शुरू कर दिया। शालिनी शालिनी शालिनी, पहले तुम बताओ, तुमने कभी सोचा अपने प्रॉफिट के लिए दोस्तों को क्यों इस्तेमाल करती हो? बार 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 पूछकर इरिटेट करोगी तो बताओ ऐसे कोई तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तुम्हें पता भी है
ग्रुप में हर कोई तुम्हें अवॉइड करने लगा है और इसकी वजह है तुम्हारा नहा धोकर पीछे पड़ जाना। श्रेया के इस तरह शालिनी की क्लास लेने की देर थी और उस तरफ से शालिनी के सुबकने की आवाज आने लगी। शालिनी रो रही थी। शालिनी को हर्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं था। मिसेस कुमार को थोड़ा पछतावा हुआ, शायद उन्हें अपनी बात इतने हार्शली नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमान से निकला तीर शालिनी को घायल कर चुका था। श्रेया को यकीन हो गया कि बात बिगड़ गई और थोड़ी देर बाद चुप होने पर शालिनी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर श्रेया का दिल भर आया। आखिर शालिनी की कही बात में श्रेया के लिए कौन सी सीख छुपी थी, वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए फिल्म इजाजत का ये गाना। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुन रहे हैं अर्थ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, श्रेया ने शालिनी के इरिटेटिंग स्मॉल बिजनेस प्रमोशन पर यह सोचकर झाड़ लगाई कि शायद उसे गलती समझ आ जाएगी, पर शालिनी का जवाब मिसेस कुमार को शॉक कर गया। अब आगे शालिनी के सुबकने की आवाज थमी और फिर उसने जिस कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही सुनकर श्रेया हैरान रह गई। मिसेस कुमार, आपको क्या लगता है मैं आपसे और ग्रुप के बाकी लोगों से डबल प्रॉफिट कमाकर ऐश कर रही हूं? मैंने झूठ कहा कि मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते हैं, ये भी झूठ है कि वो मेरे बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि मेरा डाइवोर्स फाइल हो चुका है, बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। अब सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, और अगर आप सबको लगता है तो आप मार्केट प्राइस कंपेयर कर लीजिए, सब कुछ थोड़े से ही मार्जिन पर सेल कर रही हूं मैं। सब गॉसिप करते हैं, इसीलिए किसी को नहीं बताया। खैर जाने दीजिए, किसी सिंगल पेरेंट की मजबूरी कोई कैसे समझ सकता है। इतना कहकर शालिनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बस श्रेया के लिए ये झटका इतना समझने के लिए काफी था कि उनसे शालिनी को समझने में भूल हो गई। मन अफसोस से भर गया कि बिना पूरी बात जाने उन्होंने शालिनी के बारे में एक गलत नजरिया तैयार कर लिया। वाकई यहां जजमेंटल होना उनकी भूल थी। दोस्तों, मिसेस कुमार और उनके सर्कल की बाकी फ्रेंड्स शालिनी के प्रति धारणा बनाकर उसे इग्नोर कर रही थी, बिना ये जाने कि क्या सचमुच वो डबल प्रॉफिट कमाकर मौज कर रही है या फिर स्मॉल बिजनेस उसकी मजबूरी है। शालिनी की लगन और मेहनत की अनदेखी सिर्फ सबके जजमेंटल होने से इग्नोर हो गई। दोस्तों, अक्सर यही होता है, हम जाने अनजाने में अपने आसपास के लोगों के प्रति एक नजरिया बनाकर जीते हैं, पर शायद सच उससे कहीं अलग होता है। दोस्तों याद रहे, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक अलग लड़ाई लड़ रहा है, उसे समझना जरूरी है, उसका साथ देना जरूरी है। इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा और सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।